people like us who are working for unorganized workers, who are working to try to create decent conditions of work, who are working towards ensuring that the wages are good. We are working towards ensuring that there is access to social security mechanism. It becomes quite difficult for us. 70 साल के बाद तो यही चीज होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि हर आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिले, हर आदमी को बेसिक मिनिमम जो उसकी लाइफ के लिए है वो तो कम से कम मिलना चाहिए. लेकिन लोगों की हालत बहुत खराब होती जा रही है और एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल और कंट्रोल टू द स्टेट ये बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में बढ़ रहा है. तो हमें जो सोचना है वो ये सोचना है कि हम जो अपने चार्टर बना रहे हैं, जो ये सब बना रहे हैं, जैसे उनके यहाँ पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन का संकट है, लॉज के इम्प्लीमेंटेशन का संकट है, वैसे ही हमारे लिए कलेक्टिव एक्शंस के क्या क्या कदम होंगे, स्टेप्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे जिसमें हम कन्वर्स करें उन दूसरे लोगों के साथ भी जो कि एक पॉलिटिकल वॉयस बनते हो इस देश के अंदर. पॉलिटिकल वॉयस नहीं बनने से कुछ नहीं होगा. सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार गिरती रही, शिक्षा के लिए सरकार गिरती रही, स्वास्थ्य के लिए सरकार गिरती रही, वो जो है प्याज में सरकार गिर जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, इस तरह की चीजें. तो कैसे हम अपने इशूज को पॉलिटिकल वॉयस बनाए, पॉलिटिकल मूवमेंट बनाए देश के अंदर, उसके लिए हम कैसे लोगों के साथ कन्वर्स करें, उन लोगों के साथ कन्वर्स करें जो इलेक्टोरल इम्पैक्ट भी रखते हो देश के अंदर. वी आर एबल टू बी चार्ज टूवर्ड्स ए न्यू पॉलिटिकल सिनेरियो. द वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग ए पॉलिटिकल पार्टी टू वर्क टूवर्ड्स नेक्स्ट इलेक्शन and winning that election to bring back the rights of workers. I am looking at the end of this, we should achieve that. So I hope that at the end of these 2 days, we each of us get charged with sufficient inner strength and know-how and the networking together to see that tomorrow, at the end of it, that each of us go back and work with our workers and say, the government that we have elected to take care of us is no more responsible for the concerns of the workers, neither their social security, nor their job, nor their wages. So we need to create a new political scenario where the workers' concerns have been taken care of. Home-based workers, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और आप देखें कि केवल इंडिया के फोटोग्राफ्स नहीं हैं, बट दुनिया भर में सब जगह home-based workers, largely women. नेक्स्ट प्लीज. कौन है ये होम बेस्ड वर्कर? जैसे मैंने बताया कि जो घर में काम करते हैं, घर और इन एंड अराउंड देयर ओन होम्स, और ये केवल एक सेक्टर में नहीं, केवल क्राफ्ट्स में नहीं, बल्कि मेनी ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्री और आजकल नए शूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स में भी माने जाते हैं कि होम्स आर प्रोडक्टिव एसेट्स. तो हमें हाउसिंग को बहुत ही सेंट्रल रखना होगा अपनी मांगों में. और ये केवल होम बेस्ड वर्कर्स के लिए, ये फोटो आप देखिए, ये एक कूड़े वाली बहन का है, ये सब ले जाके अपने घर में, अगर हम किसी स्लम में गए जहाँ कूड़े वाली बहन रहती है तो वो वहाँ पे आप देखेंगे तो सब कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं. तो मेनी इनफॉर्मल वर्कर्स इन सिटीज यूज देयर होम्स एंड विसिनिटी ऑफ देयर होम्स. स्ट्रीट वेंडर्स पकाते हैं या कलेक्ट करते हैं या स्टोर करते हैं, होम बेस्ड वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं. तो होम्स एज प्रोडक्टिव एसेट्स, होम्स एज साइट्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें बिल्कुल इंटेग्रल लेके चलना होगा. हॉनेस्टली वर्किंग ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, बिकॉज़ ऑल ऑफ अस फॉट फॉर द एक्ट. इट हैज नो एक्ट हैज कम फ्रीली फॉर द लेबरर्स, ईदर मिनिमम वेजेस एक्ट और इंडस्ट्री रिलेशन बाय वर्कर्स वर्कमैन्स एक्ट, एनीथिंग came out only with the great struggles of the workers and the workers' sympathizers, same as the MGNRDA Act. But how many of us are really working in rural area, achieving 100 days employment? We also there big question, because in the whole of nation aggregate, not even 40% of the funds has been utilizing in the country. So let us have a question among ourselves, because we are only the people here, and we should, as workers organizations, I am not advocating for government, but I am advocating for workers. We should be able to organize our workers using this as an opportunity. Make use all the funds that is allotted to these people and then unionize them to fight for the longer goals. But we are not even touching the short-term goal of the Employment Guarantee Act. What is the really right we have to speak about the right to work? Unorganized workers ke beech mein कानून लाना, कानून को लागू करवाना, कानून को उस स्पिरिट में लागू करवाना, उनके बीच में वो
रिक्विजिट लीडरशिप डेवलप करना एक बहुत बड़ा वो पूरा बहुत बड़ा चुनौती है. Until the worker is empowered through a law, the worker should not be dependent even on an organization, because organizations also have limitation. How, where we can go? This India is such a large country. So the law should have provisions whereby the worker is empowered to get seek justice without much of a trouble. कि जब तक हम लोग उसका फ्लिप साइड नहीं देखेंगे, एक्ट की बात आप कर रहे हैं, वर्कर्स वेंडर सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए आप कितना भी चीज ले आइए, उनके लिए जब ज्योग्राफिकल स्पेस ही नहीं रहेगा उस सिटी में, उनके लिए स्पेस नहीं है. 2014 एक्ट में जो बोला, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रहे. जिस तरीके से टोटल असंख्य क्षेत्र के मजदूर को सब तरह से वंचित किया जा रहा है, ये स्मार्ट सिटी का मामला क्या है, इसके खिलाफ कैसे संघर्ष हो सकता है, चाहे वो वेंडर हो, चाहे आवास हो, चाहे और उसके आजीविका के संसाधन हो. अलाहाबाद हाईकोर्ट के बोलने के बाद कम से कम लखनऊ में 2500 शहर में टाउन वेंडिंग कमिटी बना हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद. तो लोगों ने इस कानून को इस्तेमाल करके कोर्ट गए, है ना, और कोर्ट से जाके ऑर्डर्स लेके उन्होंने किया कि पावर एंड पावरफुल एंड पावरलेस के बीच का ये है, और इसको यदि हम ऑर्गेनाइजिंग और लॉ दोनों से हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा. केवल एक से इस्तेमाल करना हमारे लिए कई बार मुश्किल हो सकता है. कि मध्य प्रदेश के कमिश्नर्स का मीटिंग हो रहा था, सबने एक ही बात बोला कि हमारे शहर में जगह कहाँ है. हमने बोला पहले दिल में जगह खोजिएगा तो शहर में ऑटोमेटिकली जगह खोल जाएगा. People who are working on the hawkers issue went to the police, they were helpless. When the Reliance Fresh opened out, they said we are helpless, they have done it. But the workers have done it. They said, went to the Reliance office and said, either you get away from the street or we will vacate you. So with that, I think all the workers got organized, and today they are all in systematically lined up, they keep price, they are very well organized. So the things have changed. So they have gone a step ahead. Our language of addressing the issues of these workers has to be changed, not through the lenses of the formal workers. Most of our language is through the lenses of formal workers we are seeing. Informal workers, we are failed to reach them if we go with that head. Housing के बारे में, evictions, और livelihood जो है, livelihood का जो मुद्दा है, वो informal sector का livelihood का मुद्दा, हमें urban के जो discussions हैं, जो discourse है, उसके बिल्कुल center में लाना होगा. तभी हम, और उसको सेंटर में लाने के लिए वर्कर्स वॉइस को अपने आप को थोड़ा इंगेज करना होगा नए मुद्दों के साथ, नए पार्टनर्स के साथ. उसके लिए जो भी तैयारी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को करनी होगी वो करनी होगी. अभी सरकार ने वेबसाइट पे डाल दिया चीजें, अब वो कहते हैं हमने वेबसाइट पे डाल दिया है और 15 दिन के अंदर लोगों के सजेशन आ जाए, फिर वो कहते हैं कि वी हैव कंसल्टेड विद द पीपल एंड दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट लेके वो पार्लियामेंट में चले जाते. तो जो प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको डेमोक्रेटाइज करने की हमें मांग करनी होगी. तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, इस कैसे हम पीपुल्स वॉइस की स्पेस बनाए डिफरेंट लेवल पर और पूरे प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करें. ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है.